एवरीवन एंड वेलकम टू वाव कॉर्नर। आज बर्थडे स्पेशल क्राफ्ट में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ और वो है इसकी वीडियो। क्या है ये मैं आपको तब बताऊंगी, पहले आप इसको बनाना कैसे है ये देखिए। आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, बट ट्रस्ट मी गाइस, आज तक आपने इससे ज्यादा इजी मेरे चैनल पे कोई क्राफ्ट नहीं देखा होगा। तो फटाफट से देख लेते हैं इस प्यारे से और क्यूट से और मेरे फेवरेट क्राफ्ट को बनाना कैसे है, लेट्स गो। ये फोल्डर बनाने के लिए हम दो A4 साइज की शीट ले लेंगे। मैंने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बेबी पिंक और ब्लैक कलर का लिया है और फिर मैंने यहाँ टेप का साइज का इसको सर्कल कट कर लिया है, दो पिंक कलर का और दो ब्लैक कलर का। आपको ऐसे चार सर्कल चाहिए। अब इनको अरेंज कर लीजिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से। और फिर इसमें ना फोल्ड करके क्रीज बना लेंगे इस तरीके से, चारों सर्कल में क्रीज बना के अच्छे से। और फिर इनको वैसे ही एक ऊपर एक नीचे करके, एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे करके फेविकॉल की हेल्प से इनको स्टिक कर देंगे। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो देखते जाइए, आप समझते जाएंगे, विजुअल में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बस फेविकॉल की हेल्प से हाफ हाफ सर्कल में फेविकॉल लगाना है और उसको स्टिक करते जाना है। दोनों तरफ से फेविकॉल से स्टिक कर देने के बाद आपका फोल्डर रेडी हो जाता है। ये देखिए, बहुत इजी है, अब तक का सबसे इजी क्राफ्ट है ये। और बस फिर आप इसमें अपने जिस किसी लव्ड वंस को गिफ्ट करना है उसका फ़ोटो रखिए या फिर लेटर रखिए या जो कुछ भी आपको रखना है वो इसमें रख कर ऊपर से कोई भी स्माइली या फिर कोई भी बटन या किसी भी चीज़ से या फिर सैटर्न रिबन से भी इसको क्लोज करके आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर स्माइली स्टिक करी है, आपको पास जो भी चीज अवेलेबल हो उससे इसको स्टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टिक हो गया, ये मेरा रेडी हो गया। मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा था तो बाद में मैंने ना इसमें ब्लैक कलर के बीट्स लगा दिए थे, डेकोरेशन कर दी थी। अगर आपको भी करनी है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी सिंपल भी छोड़ सकते हो। इजी और क्विक, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये क्राफ्ट कैसा लगा। और एक सीक्रेट बात बताऊं, आप इसमें किसी को भी ना अपना मैसेज लिखकर दे सकते हो इजीली और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने किसी को दिया क्या है। तो अगेन, जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि अपनी बनाई हुई चीज में फीलिंग और प्यार और इमोशंस अलग ही होते हैं, तो इसको जरूर बनाइएगा और अपने किसी लव्ड वंस को गिफ्ट कीजिएगा, वो आपका फैन हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये रहा फोटो, क्लिक करो, सब्सक्राइब करो और खूब सारा शेयर लाइक भी करो। मैं मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, बाय बाय।